जरूर है, मगर प्रदेश के विद्यार्थियों से ज्यादा चिंतित नहीं है। धर्म और धर्म के हमारे मुस्लिम लोग ये 1400 साल में तुमने नहीं देखा कि बनी अब्बास का दौर हो, उससे पहले चाहे बनी उमैया का दौर हो, हुतु ने हमारी जंगल काटी, जिंदा जिंदा हमारे सीने को चीर के हमारा कलेजा और दिल बना दिया गया। लेकिन जब भी हम बेदार हुए, जब तक और बनी उमैया बनी अब्बास के दौर में हम ये दीवाली में तुम जन अली अली को देखते थे, लेकिन जब तक हम पुरामन शहरी हैं और हम बुजदिल भी नहीं हैं, हम घबराने वाले भी नहीं हैं, हमारी खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। आज तक इतने ज्यादा शहीद हमने दिए हैं इस मुल्क में, लेकिन आज देखो कभी हमने रियासत खिलाफ या हुकूमत खिलाफ या इन दहशतगर्द के खिलाफ कभी हमने असला उठाया? हम समझते हैं ये दहशतगर्द सिर्फ हमारे दुश्मन नहीं है, ये इस्लाम के दुश्मन है। ये दहशतगर्द सिर्फ हमारे दुश्मन नहीं, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। ये सिर्फ हमारे दुश्मन नहीं, ये रियासत के दुश्मन है। और हम समझते हैं कि जो चाहते ये हैं, हम इस तरह की कार्रवाइयां करके दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं। जितने शहीद हुए हमारे, हमने कभी नहीं कहा कि फला मसलक ने ये कार्रवाई की है। हमने कहा कोई मसलक इसमें मुलव्वस नहीं है। आज तक किसी मसलक ने इस कार्रवाई को ओन नहीं किया, बल्कि दहशतगर्द का नासिर है। आज इन्होंने ये काम किया है और रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमने बहुत ज्यादा कहा था, कुछ अर्सा वो कार्रवाइयां हुई कि कातिलों को तख्ते दाग पर लटकाया जाता रहा आर्मी की अदालतों में, उस वक्त दहशतगर्दी कंट्रोल हुई। आजकल फिर नहीं लटकाया जा रहा, इसलिए मेरा ख्याल है फिर दहशतगर्द बाहर निकला है। हम मुतालबा करते हैं।